नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों हम हैं ब्यावर में और सुकान जी चावला के फार्म पे आए हुए हैं। जो नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनके कुछ सवाल होते हैं और स्टार्टिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। तो सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को हमारा तहे दिल से आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। और जैसे आज 5-7 व्यक्ति आए हुए, कहीं से दिल्ली से आए हैं, कुछ जयपुर से आए हैं, कुछ बारा से आए हैं, तो ये हमारी मीटिंग होती है। 10-15 व्यक्ति मिलने जुलने हमेशा ही आते हैं और अच्छी बात है कि अपनी जिज्ञासा के लिए आते हैं और हम कोशिश करते हैं। लेकिन आज आप योग से आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर हमने सोचा कि एक यूट्यूब पर इसका वीडियो ही बना दिया जाए ताकि वो तमाम लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। एक मिनट, नाम बता दीजिए आपका, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राखी गुप्ता है और मैं दिल्ली से आई हूँ। आप मतलब इस जो गोट फार्मिंग है, तो आज हम इसी पर्पज़ से यहाँ पे आए हुए हैं, तो मतलब आपका सवाल क्या है और किस पर्पज़ से आप यहाँ पे आए हुए हैं? मतलब जी, मैं अपना गोट फार्म हाउस खोलना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि जो है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने CIRG से भी ट्रेनिंग ली, लेकिन वो रिसर्च वर्क था वहाँ पे, और ग्राउंड लेवल में इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से कुछ और होती है या ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं तो अलग चुनौतियाँ मुझे नज़र आई हैं, जो कि अगर आप आगे वीडियो बनाएंगे तो मैं उसमें कुछ शेयर भी कर सकती हूँ। तो अभी तो यह है कि हम अपना गोट फार्म हाउस खोलें तो कितनी बकरियों से खोलें और इसका जो मतलब कितना बजट करें और उसमें कितना मुनाफा होगा, फिर उसके जो है उसमें कई बीमारियां भी आती हैं, आप उसकी भी जानकारी हो, और किस तरीके से इसको जो है अगर 10 बकरियों से करते हैं तो लेबर कॉस्ट भी आती है, शेल्टर भी आता है, क्या हम इतना इसमें निकाल पाएंगे इस कॉस्ट को, तो यही सब सवाल लेके जो है अगर आज सर से उम्मीद है कि वो 10 बकरियों पे अगर वो बताएं कि हमें एक साल में कितना उसमें लगेगा और अगर वो हम बेचते हैं तो हमें एक साल में कितना मुनाफा हो सकता है, या क्या आगे आगे इसके सवाल जैसे जैसे आते रहेंगे उसके जवाब ऐसे ऐसे। मैडम, जैसे आपने बोला CIRG से आपने ट्रेनिंग करी है, तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो सारे अपने सवाल होते हैं उसका जवाब मिल जाता है, तो ऐसी क्या स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कि अपने को ग्राउंड लेवल पे जाके सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो क्या चीज़ आ जाती है कि अपने को ये सवाल के जवाब नहीं मिलता है इसके अंदर ट्रेनिंग के बाद भी? एक तो जो है CIRG की मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग की थी और उसमें 140 लोगों का बैच था। अब 140 लोगों के बैच में जो है बिल्कुल बारीकी चीज़ों से इतना कई पॉइंट समझ में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। उन्होंने खैर बहुत अच्छे से मतलब हम लोगों को जो भी हमारी शंकाएँ थी वो काफ़ी दूर करी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्योंकि वो मुझे लगा कि वो एक रिसर्च सेंटर है और रिसर्च सेंटर में आप किताबों से जुड़ी हुई चीज़ें तो बता सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम होता है वो एक बिल्कुल अलग होता है, उसमें क्या क्या मतलब जानकारियाँ ज़रूरी होती हैं। अब जैसे कि CIRG में 140 लोग ट्रेनिंग लेते हैं, मेरा 104 बैच था। 104 बैच का मतलब है वो कितने सालों से लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, लेकिन जो गोट फार्मिंग, जबकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और मतलब जिस मार्केट की डिमांड भी कंप्लीट नहीं हो पाता और इतने लोग इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, और सबसे खासियत बात ये थी कि अब की ट्रेनिंग जो हमने ली थी वो सबसे पहला बड़ा बैच था और उसमें जो सबसे ज़्यादा यूथ आया था और कुछ रिटायर्ड मतलब पढ़े लिखे, पहले लोग तो किसान ज़्यादा ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अभी जो है ना इसमें पढ़ा लिखा तबका जो है वो बहुत ज़्यादा आया। लेकिन जब मैंने देखा कि इतने गोट फार्मिंग ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी लोग जो है गोट फार्म खोलते नहीं हैं, तो उसमें क्या पॉइंट्स रहते हैं कि भाई क्या वजह है कि लोग गोट फार्मिंग, जबकि इतना अच्छा बिजनेस है, जो यूट्यूब के माध्यम से मैं भी जो आई वो यूट्यूब के माध्यम से आई कि भाई इसमें इतना बिजनेस है, तो मुझे लगा कि इतने लोग गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कहीं खोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। पर जो बेसिक सवाल है आपके यहाँ पे वो क्या है मैडम? मेरा यही है कि चालू जी तो मेरा तो अभी यही सवाल है कि अगर हम, क्योंकि जो मैंने देखा था, मैंने जो अपना बजट बनाया था और आज मैं सर के फार्म हाउस आई हूँ, वो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया है। अच्छा। मैंने जब ये जब ट्रेनिंग के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और कुछ साथियों के सहयोग से कि भाई एक बकरी जो है वो 10-12 हज़ार में मिल जाती है और जो है एक ब्रीडर आपके 20-22 हज़ार में मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ आके पता लगा है कि जी आपको जो बकरी है वही आपको 20 हज़ार की, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार
और ब्रीडर आपको 1-1.5 लाख में मिलेगा। अब मैं जब इतना महंगा खरीदूंगी और तो फिर मैं उसे बेच पाऊंगी नहीं बेच पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरी पहली है, अब वो कैसे लोग खरीदेंगे इतना महंगा जो है कैसे खरीदेंगे, क्योंकि मैंने फिर कई मंडियाँ भी घूमी तो मंडियों में तो इतने मतलब वो होते हैं। तो यही आज ये है कि भाई अगर हम 10 बकरियों से एक अच्छी ब्रीड के साथ काम करें तो हमारा कितना बजट, और अगर हम उसमें बेचने जाएंगे तो वो कितने का बिकेगा, कितना मुनाफा, फिर इस पे इसके बीमारियों पे कितना खर्चा आता है। अच्छा। भाई 1 साल अगर हम बकरों को रखेंगे तो वैसे तो कोशिश की जाती है कि हम कोशिश करें कि बकरियाँ कम बीमार पड़ें, लेकिन जो है इस पर बीमारियों पे कितना खर्चा आएगा, इनके खाने पे कितना खर्चा आएगा, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, अगर इन सबको मैं जब लगा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई ज़्यादा तो मैंने फिर कम्युनिटी मॉडल भी इसमें, वो खैर नेक्स्ट वीडियो आप कभी बनाइएगा, लेकिन अभी तो मेरा यही ये सवाल ही है कि ये लेबर कॉस्ट लेके और जो है आपकी हेल्थ को लेके और इसके खाने को लेके, क्या हम ये इतने मुनाफे का ये सौदा है या नहीं। अच्छा, और सर जी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या सवाल रहता है, क्या पर्पज़ है उनका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने क्या ट्रेनिंग वगैरह करी है सर? जी नहीं सर। अच्छा, तो आप मतलब मूड बना रहे हैं कि गोट फार्मिंग चालू करने का, तो आपका क्या सवाल आते हैं मन के अंदर कि भाई कैसे मेरे को फार्म खोलना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो क्या चीज़ें हैं? सर शुरुआत तो सभी करते हैं, शुरुआत मुझे भी करनी है, तो शुरुआत किन बेसिस, बेसमेंट बेस क्या होना चाहिए और एक फार्म पे स्टार्टिंग कैसे करूं, क्या क्या इक्विपमेंट हैं जो मुझे यहाँ पे होने ही चाहिए, उनके अभाव में कहीं मैं मतलब फैल ना हो जाए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब बेस कहाँ से स्टार्ट हो और सर्वाइव करना, मार्केट तो बाद में आएगा, मार्केटिंग तो बाद में करेंगे जब मैं इसको आगे तक ले जा पाऊँ, संभाल पाऊँ। तो बेसिक क्या चीज़ है आपके पास में, आपने मन बनाया मतलब क्या चीज़ है कि ये तो है मेरे पास और इस वजह से मैं चालू करना चाहता हूँ? सर किसान परिवार से हैं तो खेत है, खेत पड़ी है, ज़मीन पड़ी है, बस शुरुआत करने का था कि किस फील्ड में जाएं, कैसा कुछ करें कि कुछ प्रॉफिट भी हो, नुकसान ना हो। अच्छा। तो ये फील्ड अच्छी लगी मेरे को। और सर जो ज़मीन है, खेत है, तो इसका काफ़ी बड़ी हेल्प मिल जाती है इसके अंदर, फार्मिंग बिल्कुल सर, के अंदर। क्योंकि जब खेत है, ज़मीन है, तो मेरा जो शुरू का जो जमीन लेके अगर मैं करता हूँ तो काफी कॉस्टली, ज्यादा सबसे ज्यादा कॉस्टली ही फीड की आती है, फीड की आती है, तो अगर जमीन मेरे पास है तो मेरा फीड तो फ्री हो जाएगा। एक फार्म का जो लोकेशन है उसका जो किराया लगता है वो भी बच जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और फीड का है तो काफी उसमें हेल्प मिलेगी आपको। अगर जमीन खुद की है, पानी है, तो फीड अगर खुद का मैं उगाऊंगा तो मेरा जो जो दाना वगैरह लाना पड़ेगा मेरे को स्पेशली, दवाइयों पे जो खर्चा आएगा ओनली वही आएगा, बाकी फील्ड ग्रास वगैरह तो मेरा खुद का है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास खेत है तो आसपास भी खेत ही होंगे। बिल्कुल। तो और आप आसपास की जगह से भी आप अगर फीड कम पड़ता है तो आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल, लीज पे लेके उगा सकते हैं या उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इस वजह से आपने मतलब सोचा है कि मतलब मतलब मुझे बेस जो खर्चा करना था वो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ शेड का खर्चा और इनको पालने पे या इनका अच्छी नस्ल तैयार करने पे जो खर्चा आएगा, मुझे वही इनका बेस जो है वो मेरे पास है। खरीदने का है कि कहाँ से खरीदे, ये सवाल काफी के आता था आपके में। मेरे मैं जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में कौन सी नस्ल अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, जिसमें मेरे को मोर्टलिटी रेट बिल्कुल कम रहे या ना के बराबर रहे, तो वो चीज़ कौन सी मेरी ब्रीड रहेगी, उनको उस ब्रीड को पालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रीड का एक स्पेशली खाना वगैरह होता है, तो वो जो मैं आसपास की जो ब्रीड रखूँ वो क्या खाना खाती है, किससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका वेट गेन करेंगे जल्दी, तो वो चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट मतलब उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगा और समझना चाहूँगा। और सर जी आप कहाँ से हैं? सर मैं भूपेंद्र सांवरिया, 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान में। अच्छा, तो आप क्या चालू करना चाहते हैं? जी सर। अच्छा, तो शुरू करना चाहते तो क्या है सर आपके मन में, जो दुविधा रहती है क्या रहती है? मैन तो क्या है सर, इनका फील्ड का और ये मतलब जो भी है, मतलब मेरा खुद का ही खेत है और दाना पानी की सब व्यवस्था है, परंतु ये तरीका पता नहीं कि कैसे क्या खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा, मैन तो ये है, खिलाने को तो हर कोई खिला सकता है। ट्रेनिंग वगैरह करी है क्या? नहीं सर, कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं। हाँ जी, मैं तो ये था।